दोस्तों, किसी भी कंपनी की जो पहचान होती है उसका नाम और उसका लोगो होता है, और हर कंपनी ये चाहती है कि जब भी वो किसी को बिल यानी अपना इनवॉइस प्रिंट करके दे तो उसके ऊपर उसकी कंपनी का लोगो प्रिंट होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं टेरी प्राइम के अंदर कि आप किस तरीके से अपने इनवॉइस के अंदर अपनी कंपनी का लोगो प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोगो लगाने से पहले मैं आपको एक बार अपना डेबुक दिखाना चाहूँगा। डेबुक पर जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हमने सेल्स वाउचर की एक एंट्री यहाँ पर पास कर रखी है। हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पर हम इसका प्रीव्यू आपको दिखाना चाहेंगे। तो हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं। कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी फ़िलहाल हमारी कंपनी में किसी भी तरीके का कोई भी लोगो यहाँ पर लगा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर हम लोगो अपना लगाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लगाएंगे, आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से वापस से सेल्स वाउचर पर आ जाना है, यानी जो भी आपने एंट्री पास कर रखी है सेल्स की, आपको वहाँ पर आ जाना है। और वहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी डिटेल्स के अंदर इंक्लूडिंग कंपनी लोगो एप्लीकेबल टू प्रिंट एक्सपोर्ट शेयर का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर फिलहाल ये नो है, तो इसे यस करने के लिए इस पर हम एक बार एंटर प्रेस करेंगे। इस पर जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कंडीशंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है ओनली बीएमपी एंड जेपीजी फाइल फॉर्मेट आर सपोर्टेड। यहाँ पर आप जो भी लोगो लगाएंगे उसके अंदर केवल बीएमपी यानी एमएस पेंट की फाइल या तो जेपीजी फाइल आपकी होनी चाहिए। ये टैली केवल इन्हीं दो फॉर्मेट्स को यहाँ पर सपोर्ट करेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिकमेंडेड फाइल साइज इज 96 पिक्सल विथ एंड 80 पिक्सल हाइट, यानी जो भी आप यहाँ पर लोगो लगाएंगे उसका एक साइज होना चाहिए जिसका साइज है 96 पिक्सल विथ और 80 पिक्सल हाइट। इसके बाद आप यहाँ पर तीसरी कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी लोगो कैन बी प्रिंटेड ओनली ऑन स्पेसिफाइड रिपोर्ट्स एंड वाउचर्स ओनली। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि जब भी हम परचेज वाउचर की एंट्री पास करते हैं और वहाँ पर अपने बिल का इनवॉइस देखते हैं यानी प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो वहाँ पर हमें हमारा लोगो दिखाई नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो किसी दूसरी पार्टी से परचेज करते हैं, तो जब हम किसी दूसरी पार्टी से गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो सामने वाली पार्टी अपने सेल वाउचर की एंट्री पास करती है, वो अपना लोगो वहां पर लगाएगी ना कि आपका। यानी कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि जब हम परचेज वाउचर एंट्री अपने टैली प्राइम के अंदर पास करते हैं तो सामने वाली पार्टी का जो लोगो होगा वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर हमारी कंपनी का लोगो दिखाई नहीं देगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो लोगो है केवल सेल्स वाउचर पर और कुछ स्पेसिफाइड रिपोर्ट्स के ऊपर ही इसका प्रिंट आता है। तो आइए जानते हैं आगे के प्रोसेस को। तो इसके बाद हम यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को यहाँ पर वाई प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पर कंपनी लोगो लगा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है स्पेसिफाई पाथ का, तो हम यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी फाइल की लोकेशन देनी है, आपको अपनी लोगो का यहाँ पर लोकेशन देना है। तो सबसे पहले हम अपने फाइल के साइज को यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड के अंदर हमने अपना एक लोगो यहाँ पर पहले से ही रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एमएस पेंट को ओपन करते हैं, विंडो प्लस आर करेंगे, यहाँ पर एमएस पेंट टाइप करेंगे और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने एमएस पेंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम चले जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर और यहाँ से आपकी कंपनी का जो भी लोगो है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कंपनी का लोगो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हम इसे रिसाइज करेंगे। तो रिसाइज करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिसाइज का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी हमारे पास जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विड्थ आ रही है वो यहाँ पर परसेंटेज के अंदर आ रही है और हमें यहाँ पर इसे पिक्सल में सेटअप करना है क्योंकि हमारा रिकमेंडेड जो साइज था वो 96 पिक्सल विड्थ और 80 पिक्सल हाइट थी। तो हम यहाँ पर पिक्सल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें 96 डालना है। तो हमने यहाँ पर 96 डाल दिया। अब 96 डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं विथ ऑटोमेटिक 96 हो गया। तो हम यहाँ पर इस लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे ताकि ये लिंक ऑप्शन यहाँ से हट जाए और अब हम यहाँ पर हाइट और विथ को अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 96 पिक्सल विथ कर दिया है और 80 पिक्सल यहाँ पर हमने हाइट सेट कर दिया है। इतना करने के बाद
हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लोगो जो होगा 96 पिक्सल विड्थ और 80 पिक्सल साइज में यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे, यानी अब इस लोगो को हम यहाँ पर सेव करेंगे। इसके बाद हम फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर आपको सेव एज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रही हैं जिसमें आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर JPG में इसे सेव करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर JPG को सिलेक्ट करेंगे। JPG को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसे नाम दे देते हैं Logo 2। Logo 2 नाम देने के बाद हम यहाँ पर इस फाइल को सेव कर देते हैं। इतना करने के बाद अब हम डाउनलोड पर चले जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर डाउनलोड ओपन कर लिया है। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी जो विड्थ और हाइट हमने यहाँ पर सेट की है, और ये हमारा लोगो जो बाय डिफॉल्ट था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम जैसे ही यहाँ पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो डायमेंशन है वो 96 पिक्सल विड्थ और 80 पिक्सल हाइट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइल का साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं 26.7 KB का फाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें आ जाना है प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद ये आपको दिखाई दे रही है लोकेशन, इसे हमें पूरे को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हम यहाँ पीछे से इसको ड्रैग करते हुए लाएंगे और यहाँ पर सी ड्राइव को सिलेक्ट करते हुए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा, इससे हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसे हम यहाँ से फिलहाल कैंसिल करते हैं, टेलीप्राइम पर आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के लिए आप अपना शॉर्टकट की यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं Ctrl+V। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइल इमेज पाथ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब हम यहाँ से स्कैप करके बाहर आते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड से Alt+P प्रेस करना है। यहाँ पर आपको करंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कंपनी का लोगो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप टेलीप्राइम के अंदर अपने टैक्स इनवॉइस के ऊपर अपनी कंपनी का लोगो सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम यहाँ से स्कैप करते हैं। स्कैप करके एक बार बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद हम वापस से Alt+P प्रेस करेंगे। वापस से हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम कंपनी लोगो वाले ऑप्शन को वापस से ओपन करेंगे। तो ये तो मैंने आपको जो तरीका बताया वो इमेज पाथ के थ्रू बताया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ड्राइव्स की मदद से भी आप यहाँ पर लोगो को सेटअप कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज पाथ यहाँ से हमारा हट चुका है और यहाँ से हमारी जो फाइल है यानी हमारा जो लोगो है वो कहाँ पर है, डाउनलोड्स के अंदर है। तो हम यहाँ डाउनलोड्स को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर दो फाइलें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला लोगो JPG और दूसरा लोगो 2 JPG। तो हमने जो फाइल का साइज सेटअप किया था वो लोगो 2 वाले को सेटअप किया था। तो इसको हम सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर वापस से स्कैप करना है, Alt के साथ P प्रेस करना है, करंट पर वापस से क्लिक करना है, प्रीव्यू को जाकर के ओके करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो हमारा शो हो जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों ही तरीके से आप अपने टेलीप्राइम के अंदर लोगो सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।